एक डेली रूटीन है व्हेन आई गो टू मीट डिफरेंट मीटिंग, यू नो लाइफ में काम करते रहना चाहिए जिस तरह भी हो सके। पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चलती और मेहनत के बगैर जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी में मेहनत करते रहना चाहिए। तो आज सुबह सवेरे उठा हूँ, मुझे 2 घंटे लगते हैं तैयार होने में। 7 बजे मेरा दिन शुरू हुआ है और गर्मी है लाहौर में, लेकिन एक खूबसूरत दिन है आज। लेट्स एंजॉय इट टुगेदर इंशाल्लाह। तो ये वीडियोस मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज बहुत से लोगों की मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि हम बहुत डिप्रेस हैं। देखिए, मैं सुबह 7 बजे उठा हूँ, यू नो बीइंग पैरालाइज्ड, और मैं अपने आप को पैरालाइज्ड समझता ही नहीं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल बंदे को जिंदगी को गुजारने के लिए डिप्रेस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। महीना शुरू हो चुका है पाकिस्तान में तो हब्स बहुत ज़्यादा है। आई होप कि आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की फजल से बारिश हो जाएगी। आज बादल तो उमड़ के आए हैं, लेकिन कल भी आए थे लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई। होपफुली बारिश होगी तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल में होता है कि जब हम किसी माजूरी में या कोई भी फर्द हमारी माजूरी में का शिकार हो जाता है तो हम उसको और माजूर बना देते हैं, हाल पूछ पूछ के या वैसे इन जनरल। तो हमें बेसिकली जो बिस्तर से उठने का और नॉर्मल रूटीन गुजारने का जो आइडिया है ना, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं ये छोटी वीडियोस अब बनाता रहूँगा, बिकॉज मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि कैसे अपने आप को रोज़ाना पुश किया जाता है टू इंश्योर कि जो आपके गोल्स हैं वो आपके सेंटर में हों आपकी एग्जिस्टेंस के। फॉरेन जहाँ पे
करना होगा। और ये जो वीडियो है इससे आपको ये तो अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑप्शंस बनाई जा सकती हैं, अब हर बजट की ऑप्शंस होंगी, बहुत इससे बेहतर भी ऑप्शंस हो सकती हैं, इससे कम बेहतर भी ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन जो भी बजट हो उसके अंदर हमने मोबिलिटी की ऑप्शंस को रखना है ताकि इंसान जो है ज़िंदगी की गहमा गहमी को इंजॉय कर सके और अपने ज़िंदगी के मकासद को जब तक ज़िंदा है पूरा रख सके। तो इंशाल्लाह इस पे मिलके काम करेंगे सारे। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये आप शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि हम इसकी तरफ सही तरीके से जद्दोजहद करके एक ऐसा पाकिस्तान क्रिएट कर सकें जिसमें हर मजदूर अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। मैं यहाँ पे एक पीछे फैक्ट्री है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत आग लग गई थी यहाँ। तो जो हिफाजती तदाबीर है ना, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर मैं काम करता हूँ वो बेसिकली है सेफ्टी के ऊपर, एंड आई वर्क ऑन रोड सेफ्टी पर्टिकुलरली बिकॉज पाकिस्तान में रोड सेफ्टी इतनी अहम है। आप देखिए मोटरसाइकिल्स वगैरह बहुत कम जो है कवानीन का ख्याल रखते हैं, सिर्फ मोटरसाइकिल्स की बात नहीं है, रिक्शाज की भी बात है, ट्रक ड्राइवर्स की भी बात है, गाड़ियों जो हम लोग चलाते हैं हमारी भी ये बात है, सब की बात है। तो रोड सेफ्टी के ऊपर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग AITB की बिल्डिंग है, जब ये क्रिएट हुई थी तो इट वॉज इनॉर्मस, आई रिमेम्बर इट, अमेजिंग डे इन लाहौर टुडे। ये गद्दाफी स्टेडियम है, बड़ा मशहूर, न जाने कितने मैचेस यहाँ पे पाकिस्तानी टीम ने जीते, इंटरनेशनल टीम्स हैव कम हियर, पाकिस्तान विल बी द हब ऑफ क्रिकेट, आई नो दैट फॉर श्योर इन अ वेरी नियर फ्यूचर, जस्ट हैव टू कीप दिस होप अलाइव और इट विल ऑल वर्क आउट। बिल्डिंग अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, ये बड़ी नैरो है लेकिन इसमें से निकालेगा, इसको थोड़ा सा यार इसको थोड़ा सा साइड पे कर देना। मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनकी सीनियर मैनेजमेंट के साथ हमारी मीटिंग थी आज, तो इट वेंट रियली वेल माशाल्लाह। पाकिस्तान मेक्स मी प्राउड, यू नो देर आर सो मेनी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस विच वर बिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप, ऑब्वियसली आई कांट डिस्क्लोज द नेम्स, बट इट वाज सच अ ग्रेट प्लेजर टू सी their ownership and their owners and obviously their senior management team, and Pakistan has a great future, aap Pakistan ki par yakeen rakhiye aur wo sare log jo kisi bhi wajah se demoralize ho jate hain Pakistan ko dekhte hue ya especially overseas ke jo log hain, you must still believe in Pakistan because Pakistan is a great place to be. Yes, we have our challenges, we have a lot of challenges, but फिर हमने सबने मिल के उनको सॉल्व करना है स्टेप बाई स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं अपनी टीम के साथ किसी वो जो है ना टिका के कहीं खाना शाना कोई खाते हैं, खाबे खाबे जिन्हें कहते हैं लाहौरी खाबे, अब वो करेंगे हम। मोहसिन भाई
जी सर। कहाँ पे जाएं? वो जो कलेजी वाली थी जगह, क्या नाम है उसका? सर वॉल्टो में है, माजा कलेजी वाला। हाँ ठीक है, पुराना है? बहुत पुराना है जी सर, वो पुराना है, काफी पुराना है। ठीक है, तो माजा कलेजी वाला, माजा कलेजी वाला कोलेस्ट्रॉल बाबा आपको थोड़ी देर के लिए हम पीछे छोड़ के हैं अली जी। कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा अभी कोलेस्ट्रॉल पे बात नहीं करते, डाइटिंग। आपको मेरे पेट से पता चल ही गया होगा मैं कितनी डाइटिंग कर रहा हूँ। वैसे मैंने, अच्छी बात यह है कि 5 साल में काफ़ी कंट्रोल रखा है, लेकिन ये चूंकि ईद उल अज़हा के बाद तो आपको फिर पता है ना, ये जो वाजिबात में से एक है कि कलेजी ना खाएं। आप यहाँ पे इस जगह पे हैं माजा कलेजी वाला, तो आज आपको दिखाते हैं कि हम, खाने पीने का शौक है मुझे ना, कुकिंग का जैसे मैंने आपको बताया था, सो विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर। आपको दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में क्या कुछ है। ठीक है जी, हाँ जी, तो हम माजा कलेजी वाले की तरफ रवाना दवा हैं। आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं माजा कलेजी वाला, बट हम आपको जगह दिखाते हैं। आपको और जब यहाँ पहुंचे हैं तो पता चला कि जो माजा जो है माजा कलेजी वाला बंद हो गया। जरा एक मिनट मुझसे बाहर निकल के जरा पता था पूछेंगे बंद क्यों हो गया, आखिर हमने इतने पापड़ बेल के यहाँ पहुंचे हैं। वो भाई जान कबीला बंद है ना, उन्होंने वहाँ से कलेजी वगैरह भी नहीं होती है, तो उसकी वजह से जब कबीला खुलेगा फिर उनकी दुकान खुलेगी। कब तक खुलेगी? बकरा ईद की वजह से बंद है? बकरा ईद की वजह से बंद है, हो सकता है ये कोई तकरीबन 4-5 दिन के बाद आ जाए। अब मजे की बात यह है कि ये चीज आपको अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं और नहीं मिलेगी, ये पाकिस्तान की चीज़ें हैं। एक हमारे पास ज़बरदस्त बात यह है कि जो ज़िंदगी है ना वो ऑन है। ऑन से मुराद ये है कि एक मेरा मतलब कि आप जीते जागते ही बंदे नज़र आते हैं। बाहर तो ऐसा लगता है कि सन्नाटा छाया हुआ है। ठीक है, हम उतने एडवांस नहीं हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि जी ये रोड्स कैसी हैं, झटके पड़ रहे हैं, गंदगी है, ये है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास ज़िंदगी है, और ये बात मुझे अपने मुल्क की बहुत अच्छी लगती है। ज़िंदगी है हमारे पास, तो आपको भी मायूसी होगी क्योंकि मैं आज आपको ये खिलाना चाहता था, क्या कहते हैं कलेजी, लेकिन चूंकि ईद उज़्ज़ा के बाद बकरा मंडी 4-5 दिन के लिए शायद बंद हो जाती है, कम से कम ये बताया गया है कि इसकी वजह से माजा कलेजी वाला बंद था। लेकिन फिर किसी और दिन मैं आपको ले आऊँगा इधर और आपको कलेजी खिलाऊँगा, जिस दिन मेरा दिल हुआ कलेजी खाने का आप लोगों के साथ मिलकर। तो ये फेज़ 5 DHA में हम आ गए हैं। यहाँ पे 1-2 घंटे मेरी एक किसी के साथ डिस्कशन है, फिर शाम को एक मीटिंग होगी, मैंने किसी को बुलाया उनके साथ, और फिर कोई रात के 10 बजे इंशाल्लाह मैं घर की तरफ, अपने घर की तरफ जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, फिर इस तरीके से दिन ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था कि ज़िंदगी में जो है बेसिकली अपने आप को
फुली तौर पे इन्वॉल्व रखना और किसी मकसद के लिए बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत जल्द गुजर जाता है और इंसान ज़िंदगी का हर लम्हा जी सकता है इस तरीके से, अगर आप जीना चाहें। मुझे आज चाइनीज़ खाने पर दिल कर रहा था, सो एक यहाँ पे नोवू है, एक रेस्टोरेंट है, उससे मैंने ऑर्डर किया है चिली बीफ ड्राई और जैश्वन चिकन एंड एग फ्राइड राइस एंड सम नूडल्स। तो ये एग फ्राइड राइस मैं ट्राई कर रहा हूँ खाने की, लेट्स सी हाउ इट गोज। डिलीवरी का जो इशू है ना, वो ये है कि जब तक आप तक पहुंचती है तो इतनी ठंडी हो चुकी होती है। इट्स गुड बट मेरे ख्याल में बीफ को जो है ना वो कोई ओवर कुक कर गए। एक्चुअली अगर आप रियल चाइनीज खाएं ना तो वो बहुत डिफरेंट है। खैर ये हमारी पाकिस्तानी चाइनीज है, लिहाजा इसमें मिर्च मसाले डालने पड़ते हैं, बट इट्स स्टिल नॉट बैड। आई वुडन्ट से इट्स एक्सीलेंट बट पाकिस्तानी मसालों के हिसाब से ठीक हैं। आई लाइक द नूडल्स। जैश्वन चिकन में, जैश्वन चिकन की एक पूरी बेसिकली जो जैश्वन साइड है ना चाइना की, जो ये साइड है कुकिंग की, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है, वो मैं अभी कभी आपको बताऊंगा। बट अभी मैं काफ़ी भूखा हूँ, लिहाजा आई एम गोना स्टार्ट ईटिंग। तो इस वक्त कोई रात के 8:30 बज रहे हैं और मेरी अमेरिका में अभी जूम कॉन्फ्रेंस कॉल थी एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, तो उसे मैं अभी डन हुआ और 8:30 पे मेरी कॉल मीटिंग है, लेकिन जिस बंदे से मिलना है वो 15 मिनट लेट है, उसका मुझे अभी मैसेज आया, तो वो कोई ऑलमोस्ट 45 मिनट्स चलेगी और फिर उसके बाद ख़त्म करके मैं इंशाल्लाह घर जाऊंगा। तो बाय द टाइम आई विल रीच होम विल बी 10:30-11 o'clock इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। मैंने कहा आपको छोटी सी अपडेट कर दूं कि इस वक्त मैं क्या करूं। देखें इस वक्त आप यकीन नहीं करेंगे, रात के 11 बज गए और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ और घर जा रहा हूँ। तो मेरा घर यहाँ से कोई आगे आ जाएँ तो मेरा घर जो है यहाँ से कोई आधा घंटा दूर है, तो बाय द टाइम आई एम गोना गेट होम इट्स गोना बी 11:30। So I started around 7:30, I woke up and by the time I'm going to be done inshallah ta'ala, it will be 12 o'clock. Ye main emphasize is wajah se kar raha hu ki if I can do this right, then you can also do this. And you know, you can really make a difference in your life. Ye kyun ho raha hai? Why is it that I'm able to do this? Because I love what I do. It propels me every day. And I am extremely not tired. तो जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये बड़ी एक बेसिक सी वीडियो है, लेकिन आई होप कि इट गिव्स यू सम आइडिया कि इफ़ नियाज मलिक कैन डू दिस इन दिस सिचुएशन, यू कैन डू मच मोर। लेट्स टेक अ ग्रेटर इंस्परेशन फ्राम आर लाइव्स एंड मेक अ बिग डिफरेंस। लेट्स डू इट टुगेदर। ये गोलधारा आएगा और फिर जो KPLI PKLI आता है। जी जी ठीक। हाँ जी, तो वो कहते हैं ना कि होम स्वीट होम, तो फाइनली कोई 12 बजे के करीब मैं अपने घर पहुंच गया हूँ
और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई सुपरमैन हूँ या जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और क्या मैं हर रोज़ ये रूटीन रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बंद कर दें गाड़ी ताकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज का दिन अनयूजुअली तौर पे लंबा रहा, लेकिन मैंने इसको खूब इन्जॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया, एक एक सेकेंड ईच मिनट ऑफ इट। एंड ये जो मोटिवेशनल नहीं है, मैं कोई मोटिवेशनल नहीं हूँ या मैं आपको कोई उछल कूद का नहीं कह रहा या मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आगे बढ़ो शेर बनो। आई हैव टू लिव दिस एवरी डे, आई हैव टू डेमोंस्ट्रेट दिस एवरी डे दैट आई कैन एक्चुअली डू दिस राइट। दिस इज़ नॉट अ थ्योरी, इट इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली आई हैव टू अनेबल माई सेल्फ डिस्पाइट द फैक्ट दैट देर आर सो मैनी डिसबिलिटीज। लेकिन ये सारी डिसेबिलिटीज़ हमारे माइंड में होती हैं, सब कुछ होते हुए भी हम कई दफ़ा डिसेबल्ड हो जाते हैं, हम कई दफ़ा समझते हैं कि हम काम नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं। आज सुबह 7:30 पे मैं उठा हूँ और इस वक्त ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे हैं। आपको मैंने अपना एक छोटा सा जर्नी दिखाया, मैंने आपको अपनी मीटिंग्स इसलिए नहीं दिखाई कि उसमें लोगों का आई डिडंट वांट टू शो फेसेस या पीपल डोंट समटाइम फील कंफर्टेबल आल्सो एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल एज वेल। ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें अपना जज्बा खुद हमें क्रिएट करना पड़ता है। हम हमेशा मोटिवेशनल स्पीकर्स और दूसरों के ऊपर, ये पूरी एक इंडस्ट्री बनी हुई है, और हम उनसे जज्बा सीख करना चाहते हैं, उनसे लेना चाहते हैं। नहीं, आपको अपना जज्बा अपने अंदर से लाना होगा, कोई आपका जज्बा जगा नहीं सकता। मैं हर रोज़ अपना ये जज्बा जगाता हूँ। आपका अल्लाह हाफिज़ व नासिर हो। मैं आपसे रुख्सत चाहता हूँ अब, क्योंकि अब मैं वाकई थक गया हूँ एंड आई नीड टू बी इन माई बेड। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त खाना खाऊं कि नहीं, 12 हो गए हैं और देखिए मुझे वेट कंट्रोल करना पड़ता है ना, बिकॉज मैं इस सिचुएशन में हूँ एंड ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि मैं खाने पीने का शौकीन हूँ। सो आई डोंट थिंक सो आई एम गोना ईट, बट आई जस्ट हैड अ ग्रेट डे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।